नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सबका एक इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी हम बीपीएससी भवन के बाहर हैं। सर अभी एक इंटरव्यू देखने निकले हैं। सर से जानेंगे कि सर का इंटरव्यू कैसा हुआ, सर का क्या क्या इसके मतलब कि रिसोर्सेस रहे हैं और कैसे सर इंटरव्यू को फेस किया है। सर सबसे पहले इस बिल्डिंग में सर आने के लिए सर कांग्रेचुलेशन। सर आपका सर नाम सर एडुकेशनल बैकग्राउंड। मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैंने ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है और मैंने एमकॉम भी किया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी से। जी सर, आपका सर कौन सा अटेम्प्ट था सर, मीडियम सर? मेरा ये पहला इंटरव्यू था और मेरा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश। ओके सर, आपके सर ऑप्शनल सब्जेक्ट सर क्या रहे? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट साइकोलॉजी है। ओके सर, आपसे सर कैसे कैसे टाइप से क्वेश्चन पूछेगा सर? जब सर आप रूम में एंटर किए तो किस पहला क्वेश्चन का क्या था? मेरे से ये सवाल पूछा है कि आपने ग्रेजुएशन के बाद क्या किया है, तो मैंने बताया कि मैंने टीचिंग किया है। और फिर मेरे से जो मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट रहा है और मास्टर्स का सब्जेक्ट रहा है उससे भी सवाल पूछा है और करंट अफेयर से भी कुछ क्वेश्चन है। ओके सर, आपके सर हॉबी में सर क्या रहा है? हॉबी सर कुछ क्वेश्चन अगर पूछे गए डेप्थ बेस्ट। हॉबी से एक भी सवाल नहीं पूछा गया इस बार। ज्योग्राफी से कुछ क्वेश्चन थे, पॉलिटी से कुछ क्वेश्चन थे। ओके जी, बाय द वे सर हॉबी में सर था क्या क्या? हॉबी में मेरा चेस था और टीचिंग था। ओके सर, बात करिए सर कंडीशनल क्वेश्चन सर और सर एथिकल क्वेश्चन सर, उस टाइप क्वेश्चन कुछ केस स्टडी पूछा गया? केस स्टडी तो नहीं पूछा, लेकिन ये सरकार की कुछ डिसीजन होते हैं उसके बारे में मेरा ओपिनियन पूछा गया कि क्या आपको लगता है सही है गलत है। जैसे मैं अभी वीट पे जो एक्सपोर्ट है उस पर बैन हो गया है, तो इस पर मुझसे पूछा गया क्या ये सही है या गलत है। सर ये बताइए कि आप सर रूम में जब इंटर किए तो पहला सर उन्होंने क्वेश्चन क्या था और सर उन्होंने आपने सर क्या उसका रिस्पॉन्ड दिया? मेरे से पहला सवाल ये पूछा गया कि आपने ग्रेजुएशन कब किया है और उसके बाद आपने क्या किया है, बस यही पूछा गया शुरू में। ओके सर, आप सर बहुत सारे सर मॉक टेस्ट आपने दिया होगा, मॉक इंटरव्यू सर आपने दिया होगा। सर ऐसा लगता है सर वहाँ से और यहाँ पर सर कितना डिफरेंट है सर? जी काफ़ी डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो एक्चुअल इंटरव्यू होता है तो काफ़ी ओल्ड होते हैं यहाँ के जो पैनल होते हैं और काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, मतलब दे ऑल आर 60+। ठीक है, और वहाँ पे जो कोचिंग सेंटर्स में होता है वो 45-50 साल के लोग होते हैं, 40-50 साल के लोग होते हैं। तो एक डिफरेंस होता है, यहाँ के लोग काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं वो दिखता है। जी ओके सर, आप कितने दिन पहले सर सिविल सर्विस सर आप तैयारी कर रहे थे? मैं 2020 से तैयारी कर रहा हूँ, 2 साल हो गए लगभग। सर काउंटर क्वेश्चन वगैरह सर पूछे जा रहे हैं कि नहीं, जैसे कि सर मतलब कि कोई क्वेश्चन का आपने सर रिस्पॉन्ड किया उस पर सर काउंटर क्वेश्चन वगैरह? जी बिल्कुल पूछे जा रहे हैं, अगर उसमें अगर आपने किसी सवाल का जवाब दिया तो उसमें उससे भी कुछ सवाल बनते हैं तो उससे भी पूछे जाते हैं। ठीक है सर, आपको सर ऐसा लगा कि सर जैसे ग्रिल वगैरह किया जा रहा है, जैसे बताया जाता है यूट्यूब पर ग्रिल वगैरह की बात? जी कुछ लोगों से ग्रिल किया जाता है और वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर है, आप उसको कैसे देखते हैं, आप उसको ग्रिल करना देखते हैं या आपको अपनी पर्सनालिटी की टेस्टिंग देखते हैं, वो आपके ऊपर है। बट हाँ, ये ग्रिल करते हैं कुछ लोगों से पर सबको नहीं करते हैं। सर ऑप्शनल सब्जेक्ट सर कुछ क्वेश्चन वगैरह सर बने थे? जी इस बार मेरे से ऑप्शनल से नहीं पूछा गया, लेकिन कुछ कैंडिडेट्स थे उनसे मेरी बात हुई तो कुछ लोगों से पूछा गया, कुछ लोगों से नहीं भी पूछा गया। तो सबसे नहीं पूछा जा रहा है, लेकिन जो आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसे पूछेंगे ही पूछेंगे और करंट अफेयर से तो पूछेंगे ही पूछेंगे। ओके सर, आपने सर प्रीलिम्स वगैरह की सर तैयारी किया गया कैसे किया था? जैसे 67 बीपीएससी प्रीलिम्स सर कैंसिल हो गया है, सर एग्जाम तो सर फिर से होंगे ही, तो सर अभी क्रिस्प स्ट्रेटेजी सर क्या हो सकती है एस्पिरेंट की? सर प्रीलिम्स के लिए तो मैं बोलूँगा कि सबसे जो मेन सब्जेक्ट होते हैं वो हिस्ट्री और साइंस होते हैं, उससे ही लगभग 70 सवाल आ जाते हैं टोटल अगर देखा जाए तो साइंस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं और साथ में घटना चक्र की प्रैक्टिस कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिए, अब बाकी घटना चक्र से कर लीजिए, और बाकी करंट अफेयर वगैरह कोई भी एक मैगजीन पकड़िए और उसमें जितने भी सारे फैक्चुअल डेटा है उसको आप नोट्स बना लीजिए। सर बिहार स्पेशल रोल के सर आपकी क्या राय? बिहार स्पेशल में एक बिहार आईएएस की एक काफ़ी बेहतरीन किताब आई है बिहार एटलस, आप उससे जरूर उसको देखें, उसे पढ़े, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और साथ में ही आप क्राउन का भी देख सकते हैं और यूट्यूब पे भी काफ़ी चैनल है, तो उसमें आप जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए सर आप सजेस्ट कर दीजिए प्लीज़। यूट्यूब में मैंने जो देखा था, एक तो बीपीएससी प्लेटफॉर्म देखा था जो पिछले साल उसके कुछ वीडियो थे, तो मैंने बिहार ज्योग्राफी के लिए देखा था। अब मैं ज़्यादा YouTube पे डिपेंडेंट नहीं रहता, मैं कोशिश रहती है कि किताब से ज़्यादा करूँ। सर मेंस की बात करिए तो सर मेंस में सर आंसर राइटिंग स्किल सर कैसे बेहतर किया सर? मेंस में आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहले आप जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको आप एनालाइज कीजिए अच्छे से, उसके बाद उसके टॉपिक्स निकालिए कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फिर उसके आप सारे नोट्स बनाइए और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए। आप किसी अच्छे कोचिंग में आप मॉक आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं।
सर कितने घंटे सर पढ़ा जाए, जैसे बताया जाता है 17-18 घंटे पढ़ने होते हैं सिविल सर्विसेज, सर आप कितने घंटे पढ़ाई किया, क्या रियलिटी है सर? देखिए सबका अलग अलग लेवल होता है, सबकी पढ़ने की शैली अलग होती है, तो मैं कहूँगा कि आप अपने आप देखिए कि आपको कितने घंटे तक पढ़ना कम्फर्टेबल लगता है। कुछ लोगों को 12 घंटे पढ़ लेते हैं, कुछ लोग 5-6 घंटे में ही मैनेज कर लेते हैं। मैं 5-6 घंटे में मैनेज कर लेता हूँ, तो आप अपना स्टाइल देखिए और आप ये देखिए कि आप कितना कवर कर पा रहे हैं कितने घंटों में। सर लास्ट मैसेज सर एस्पिरेंट के लिए सर क्या देना चाहेंगे? एस्पिरेंट को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप डेली पढ़ें, महीने में कम से कम ज़्यादा ज़्यादा 1 दिन का ब्रेक ले, उससे ज़्यादा ब्रेक मत ले, डेली निरंतर पढ़ते रहिए और डेली न्यूज़पेपर भी पढ़िए, करंट अफेयर से पूरा आप वाकिफ़ रहिए अच्छे से, और साथ में प्रैक्टिस कीजिए, डेली प्रैक्टिस कीजिए। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, इस वर्ष सर्विस करते हैं सर, फाइनलिस्ट में आपका नाम हो और सर प्रॉपर इंटरव्यू करने का मौका मिले सर। थैंक यू।